पांच साल से आप सरकार चला रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, जेएनयू के अंदर हंगामा करके चले जाते हैं, आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा है? नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय अस्तनापुरी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। तो इस समय हम दिल्ली के सेंट्रल पार्क में खड़े हुए हैं और दिल्ली में इस समय कई अहम मुद्दे हैं। दिल्ली में इस समय विधानसभा चुनाव के मुद्दे चल रहे हैं, उसी के साथ साथ शाहीन बाग में कुछ लोग जो कि एक महीने से सड़क जाम करके बैठे हैं और कुछ और अन्य मुद्दे, उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आशुतोष जी हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर से इन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले चूंकि 8 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी सारी पार्टियां तैयार हैं, क्या कहेंगे सर कि 5 सालों में जो केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि हमने काम किया है, कितना काम किया है, धरातल पर क्या क्या दिख रहा है? नहीं, अगर आप दिल्ली के अंदर लोगों से पूछे तो लोग जरूर कहते हैं कि काम हुआ है जी। और क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि बीच में एमसीडी भी आती है, ऊपर लोकसभा भी है और केंद्र सरकार भी है, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दोनों सरकारों को मिलकर करने चाहिए थे, जो नहीं हुए, आपस में झगड़े बहुत हुए। लेकिन अगर आप जैसे बिजली का काम देखेंगे, पानी का काम देखेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा का काम देखेंगे, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया। कुछ और काम करने चाहिए थे जो शायद नहीं हो पाए। लेकिन सर, सवाल एक जो सबसे बड़ा उठ रहा है कि केजरीवाल जी शाहीन बाग अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी रोड शो कर रहे हैं, अपनी जो रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, लेकिन एक बार शाहीन बाग जाके लोगों से उन्हें आग्रह करना चाहिए थे कि वहाँ से उठें, तो ये सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, शाहीन बाग सबसे पहले समझना पड़ेगा कि शाहीन बाग के लोग क्यों धरने पर बैठे हुए हैं। नागरिकता कानून कौन लेकर आया है? केंद्र की मोदी सरकार। उनका झगड़ा या उनकी जो तकलीफें हैं वो केंद्र सरकार से हैं, तो केंद्र सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए। शाहीन बाग के लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि उनकी कोई तकलीफ दिल्ली की सरकार से है। तो जो झगड़ा, जो नियम, जो कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है, तो वहाँ के सरकार को जाके उनकी बातों को सुनना चाहिए। अग्री करें डिसअग्री करें वो एक अलग मसला है, उनकी बातों को ना माने का अलग मसला है, लेकिन अगर कोई लोग बैठे हुए हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, 44 दिन हो गए हैं, तो केंद्र सरकार को कम से कम इतनी संवेदनशीलता जरूर होनी चाहिए कि वो जाके उनकी बातों को सुने। लेकिन सर, राज्य सरकार के मुखिया का ये काम हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और केजरीवाल जी की उत्तरदायित्व बन सकता है कि वो वहाँ पर जाएँ और लोगों की बात सुने। उन्होंने नैतिक समर्थन मनीष सिसोदिया ने दिया है, उन्होंने कहा कि आई स्टैंड बाई विद शाहीन बाग के लोग, लेकिन असली जो प्रॉब्लम है वो केंद्र सरकार और वहाँ के लोगों के बीच की प्रॉब्लम है। केंद्र सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए। सर, अभी हाल ही में सरजील इमाम करके जो जेएनयू के एक छात्र नेता है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो एएमयू में दिया था, उन्होंने उससे पहले कहा था कि मैं आसाम को और भारत को अलग करना चाहते हैं। उसी के बाद एक और वीडियो वायरल होता है दिल्ली के जामिया का, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली के मुसलमानों में इतना सामर्थ्य है, देश के मुसलमानों में इतना सामर्थ्य है कि वो पूरे देश को चक्का जाम करवा सकते हैं। सर, उस इन बयानों को देश की जनता किस तरीके से देखती है, आप किस तरीके से देखते हैं? जो भी आदमी इस देश को तोड़ने की बात करता है, उसके लिए किसी तरीके से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो केंद्र का मंत्री हो, चाहे वो सरजील इमाम हो, चाहे कोई भी हो। सरजील इमाम ने जो बातें कही वो गलत बातें कही हैं, आपत्तिजनक बातें कही, उनको ये बातें नहीं कहनी चाहिए। कानून के हिसाब से वो गलत है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप एक बात और भी देखिए कि केंद्र के मंत्री अनुराग ठाकुर वो हिंसा के लिए लोगों को उकसाते हैं, वो कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अगर आप यहीं खड़े होकर अभी आप बोलना शुरू करें, लोगों को उकसाएं, तो पुलिस आपको फौरन गिरफ्तार करके ले जाएगी। दूसरे लोग हैं जो कह रहे हैं, परवेश वर्मा जो सांसद हैं, वो कहते हैं घरों में घुस के लड़कियों को उठा के बलात्कार कर। ये इस देश की सांसद, इस देश के मंत्रियों की एक अलग परंपरा रही है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सरजील इमाम को निश्चित तौर पर गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन ये जो मंत्री और जो सांसद जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, सरजील इमाम को सर गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा है, लेकिन अभी जामिया और जेएनयू के छात्र उनके समर्थन में आ गए हैं, कह रहे हैं कि देशद्रोह का जो मुकदमा लगा है उसे हटा देना चाहिए। आखिर छात्रों को इनका समर्थन करना चाहिए या नहीं? जो छात्र समर्थन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप उनसे जाके पूछिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, आप पकड़ते क्यों नहीं पिछले 6 सालों से? आपके रहते हुए जेएनयू के अंदर 3 घंटे तक वो अर्बन नक्सल आते हैं, हंगामा करते हैं, पुलिस वहाँ पर खड़ी रहती है और पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाती है, तो आप फिर सरकार क्यों चला रहे हैं? 5 साल से आप सरकार चला रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, जेएनयू के अंदर हंगामा करके चले जाते हैं, आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सरकार का क्या फायदा जी? आप बर्दाश्त करेंगे भाई? 1 साल आपने कह लिया, 2 साल कह लिया, 3, हर बार आप वही कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, तो पकड़ो ना टुकड़े टुकड़े गैंग को, क्यों नहीं पकड़ते आप? इसका मतलब आपके अंदर दम नहीं है। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष जी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे,
उन्होंने दिल्ली के जो इस समय समीकरण चल रहे हैं विधानसभा चुनाव से लेके शाहीन बाग और जो भी जामिया और जेएनयू के छात्र इस समय ये मांग कर रहे हैं कि जो शर्जिल इमाम के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हुआ है उस पर हमने सवाल पूछे। आशुतोष जी की राय हमने सुनी, हम आपकी राय जानना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी वीडियो पर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।